और स्वागत है आपका, मैं हूं रिनू। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत, जहां आईपीएल की तर्ज पर एमपीएल की तैयारी हो रही है। जी हां, मध्य प्रदेश में शुरू हो सकती है अपनी क्रिकेट लीग, जहां सूत्रों के मुताबिक आईपीएल की तर्ज पर हो सकता है एमपीएल यानी कि मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग टूर्नामेंट में 5 से 6 टीमें शामिल हो सकती हैं। जल्द ही फ्रेंचाइजी भी तय होने की संभावना, एक टीम में 20 से 25 खिलाड़ी हो सकते हैं। 25,000 से 1,00,000 रुपए तक हो सकता है बेस प्राइस, बोली के हिसाब से फ्रेंचाइजी से खिलाड़ियों को पैसे मिलेंगे। एमपीएल के जरिए खुल सकते हैं नए रास्ते, एमपीएल के अच्छे प्रदर्शन पर खिलाड़ियों को मिल सकते हैं बड़े मौके। सूत्रों के मुताबिक T20 फॉर्मेट में शुरू होगी एमपीएल। टाइगर, चीता, लॉयन, पैंथर के नाम हो सकते हैं टाइटल। आईपीएल खत्म होने के बाद शुरू हो सकती है एमपीएल। एमपी में क्रिकेट 10 डिवीजन में बांटा गया है। ग्वालियर, इंदौर में हो सकते हैं एमपीएल के मैच, और इस तरीके से ये एक नई शुरुआत मध्य प्रदेश के लिहाज से खेल के क्षेत्र में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित होता हुआ नजर आने वाला है, जहां पर आईपीएल की तर्ज पर एमपीएल की भी तैयारी होगी। सूत्रों के मुताबिक ये पूरी जानकारी मिल पा रही है, 25,000 से 1,00,000 तक हो सकता है बेस। और चलिए सीधे शुरू करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक बहुत बड़ा कीर्तिमान खेल जगत में स्थापित हो जाएगा मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर एमपीएल की शुरुआत होती है आईपीएल की तर्ज पर। कैसी तैयारियां और क्या कुछ खबरें इस पूरे मामले को लेकर? देखिए बिल्कुल, मैं रीनू बता दूं कि मध्य प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए एक बेहद खास खबर है कि देखिए जिस तरीके से इंडियन प्रीमियर लीग आयोजित किया जाता है उसी तर्ज पर अब एमपीएल यानी मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग की शुभारंभ होने जा रहा है। ये जानकारी है, न्यूज 18 के सूत्र जो है वो बता रहे हैं कि इसकी तैयारियां सभी पूरी कर ली गई और जैसे ही आईपीएल का सेशन ये खत्म होगा उसके बाद एमपीएल की घोषणा कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि पहले शुरुआती अगर दौर की मैं बात करूं तो 5 से 6 टीमें इसमें शामिल हो सकती हैं और इंदौर और ग्वालियर वो के होंगे जहां पर ये क्रिकेट मैच आयोजित किए जाएंगे। देखिए अगर पहले अगर बात करूं तो जो शुरुआती टीमें होंगी उसमें लगभग 20 से 25 युवा खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है जिनका बेस प्राइस 25,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक होगा। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को जो युवा खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में जगह नहीं पा पा रहे हैं या इंडियन क्रिकेट टीम में ऐसा नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन यदि वो एमपीएल में बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो निश्चित तौर पर उनकी बड़ी टीमों में खेलने के रास्ते भी खुलेंगे और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम इसे माना जा सकता है। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि जल्द ही जो फ्रेंचाइजी है वो भी तय कर ली जाएगी, खिलाड़ियों को भी लिस्टेड किया जाएगा और उसके बाद बोली लगाकर इन खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के लिहाज से बेहद खास खबर है। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश ये नहीं बल्कि अगर देश के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर ये इस तरह का राज्य स्तर का जो टूर्नामेंट है वो आयोजित किए जाते हैं, युवा खिलाड़ियों को आगे लाने की दिशा में ये प्रयास जो है वो दूसरे राज्यों में किए जाते हैं, उसी तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में ये क्रिकेट लीग शुरू करने का की जो जानकारी है वो न्यूज 18 के पास है कि जल्द ही इनके जो बिल्कुल यानी कि मध्य प्रदेश के युवाओं को एक बड़ा मौका मिल सकता है, बड़ी खबर है उनके लिए। और काफी खुशखबरी की बात है कि आईपीएल की तर्ज पर एमपीएल की शुरुआत मध्य प्रदेश में होने जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वही अब बात करेंगे मुरैना में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग की, जहां जमीन को लेकर यह विवाद हुआ, दो पक्षों में बहुत ज्यादा विवाद हो गया। विवाद के दौरान गोलियां चल गई, फायरिंग का लाइव वीडियो भी सामने आया। नूराबाद थाना क्षेत्र के चोखूटी गांव की पूरी घटना है, मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए मुरैना में ताबड़तोड़ फायरिंग और जमीन विवाद को लेकर ये पूरा मामला गरमाया। दो पक्षों में विवाद इतना ज्यादा हो गया कि गोलियां चल गईं और देखिए राइफल लेकर जाते हुए लोग नजर आ रहे हैं जिन्होंने फायरिंग की। और संवाददाता अमित शर्मा जुड़ गया। अमित, जमीनी विवाद में विवाद अक्सर हम देखते हैं कि होते हैं और खुलेआम ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या इस पर एक्शन लिया गया है?
देखिए बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये पूरा घटनाक्रम नूराबाद थाना क्षेत्र के चौकुटी गांव का है, जहां दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर के पहले तो फायरिंग हुई, उसके बाद पथराव हुआ। बताया जा रहा है कि फायरिंग एक ही तरफ से की गई है, जिस दौरान जो दूसरा पक्ष था उसने बचाव के लिए पथराव किया। इस दौरान जो एक व्यक्ति है वह भी घायल हो गया है, और जो आरोपी पक्ष है वह फिलहाल मौके से फरार हो गया है, लेकिन सूचना के बाद तत्काल जो नूराबाद थाना प्रभारी है रामबाबू यादव वह बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की तहकीकात में जुट गए हैं। लेकिन जो वीडियो नजर आ रहा है, वीडियो में साफ तरीके से कुछ आरोपी नजर आ रहे हैं फायरिंग करते हुए, उन पर राइफल भी नजर आ रही है। अब पुलिस के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती होगी कि इन राइफलों की पहचान करना, क्योंकि ये हो सकता है अवैध हो, क्योंकि लाइसेंस ही तो सभी हथियार हैं जो थानों में जब्त है, उसके बाद भी इस तरीके से जो हथियार निकल के सामने आ रहे हैं। और अक्सर देखा जाता है कि मुरैना में जमीनी विवाद को लेकर के फायरिंग होती है, गोलीबारी होती है, कई लोगों की जान भी पहले जा चुकी है, उसके बाद भी इस तरीके के मामलों पर ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है, जिस वजह से इस तरीके की घटनाएं आए दिन सामने को देखने को मिलती हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए हमें। तो इस तरीके की घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं, और एक बार फिर से ऐसे कुछ मामला सामने आया है। और अब बात कवर्धा से बड़ी खबर की, जहां पर सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी ने खुदकुशी कर ली, जहर खाकर शिक्षा अधिकारी ने खुदकुशी कर ली। मृतक एबीईओ का नाम रवीश सिंह क्षत्रिय बताया गया है। विकास खंड शिक्षा कार्यालय बोड़ला में ये पदस्थ थे। जांच में बोड़ला थाना पुलिस जुट गई है कि आखिरकार कारण क्या हो सकते हैं खुदकुशी के। बड़ी खबर, जहां सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी ने खुदकुशी कर ली, जहर खाकर अधिकारी ने खुदकुशी की। मृतक का नाम रवीश सिंह क्षत्रिय बताया जा रहा है। विकासखंड शिक्षा कार्यालय बोड़ला में ये पदस्थ थे। जांच में बोड़ला थाना पुलिस जुट गई है। बड़ी खबर कवर्धा से, तो खुदकुशी का एक और नया मामला, जहां सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने खुदकुशी कर ली। मनीष मिश्रा जुड़ गए हैं। मनीष, सहायक शिक्षक ने खुदकुशी कर ली, कारण क्या है, कुछ पता चल पाया है? अभी कारण क्या है ये साफ नहीं हो सका है। ये विकासखंड सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी है रविश कुमार सिंह, ये बोला ब्लॉक में पदस्थ थे। बीते के 3 से 4 साल इनकी पदस्थापना वहां पे रही, ऐसी जानकारी मिल रही है। कल रात में इनकी तबियत बिगड़ी और वो अस्पताल लाया गया, तब उसमें कीटनाशक का सेवन करने की जानकारी सामने आई है। बोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहले इनको भर्ती कराया गया था, वहां ज्यादा स्वास्थ्य बिगड़ने के चलते इनको जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ उपचार के दौरान इनकी मौत हो गई है। और पुलिस और प्राथमिक अभी जांच कर पाई है, उसमें किसी तरह से उनके कमरे में जो है कोई नोट्स वगैरह नहीं मिला सुसाइडल, आखिर उन्होंने ये कदम क्यों उठाया इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई, जांच की जा रही है। फिलहाल शव का मंजनामा कर पीएम के लिए भेजा गया, उनके परिजन उनसे भी बात करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो किस तरह का कदम उन्होंने उठाया, क्या मानसिक रूप से परेशान थे या किसी और को परेशानी रही है, ये अभी साफ नहीं हो सकी है रेनू। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मनीष जानकारी के लिए। तो कोई भी स्पष्ट कारण नहीं कि खुदकुशी क्यों की गई है, फिलहाल पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है। इंदौर जेल में साइलेंट अटैक से कैदी की मौत का मामला सामने आया। पूजा करते समय साइलेंट अटैक आया। अटैक के बाद एमवाई अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। धोखाधड़ी के मामले में यह कैदी जेल में बंद था, 65 साल का था मृतक नागेश। 2 महीने पहले ही सीबीआई कोर्ट ने इसे 5 साल की सजा सुनाई थी। धोखाधड़ी के केस में ये सजा काट रहा था और अचानक से इसे साइलेंट अटैक आया। हॉस्पिटल एडमिट किया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। बड़ी खबर आपको दे रहे इंदौर से। जेल में साइलेंट अटैक से कैदी की मौत का मामला, तकरीबन 65 साल इस कैदी की उम्र बताई जा रही है, जो कि धोखाधड़ी के आरोप में 2 महीने पहले ही सीबीआई कोर्ट ने इसे 5 साल की सजा सुनाई थी, और जेल में अचानक से इससे अटैक आया। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए। शैलेंद्र, कैदी की साइलेंट अटैक से मौत हो गई है, क्या कुछ संबंधित और जानकारी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इंदौर में लगातार साइलेंट अटैक के मामले बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अगर बात करें तो पिछले 1 महीने में ये 10वीं मौत है जो साइलेंट अटैक से हुई है। बताया जा रहा है कि 65 वर्षीय नागेश जो है धोखाधड़ी के मामले में जो इंदौर की जिला जेल में बंद थे, ये बैंक मैनेजर रहते हुए इन पर धोखाधड़ी के आरोप लगे थे, और 2 महीना पहले ही सीबीआई कोर्ट ने इनको 5 साल की सजा सुनाई थी। रोज की तरह आज सुबह नहाने के बाद ये पूजा करने के लिए जेल में बने मंदिर पर गए थे, पूजा करते के दौरान ही इनको साइलेंट अटैक आया
और ये गिर पड़े। जो स्थानीय जो आसपास जो कैदी थे उनकी तरफ उन्होंने जब देखा तो उसके बाद इनको हिलाया डुलाया, लेकिन इनकी मौत हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद जिला जो जेल है उनकी तरफ से इनको MBI अस्पताल ले जाया गया उपचार के दौरान, उपचार के लिए वहाँ इनकी मौत हो गई। तो जिस तरीके से इंदौर में लगातार ये देखने में आ रहा है कि साइलेंट अटैक के मामले जो बढ़ते ही चले आ रहे हैं, और न केवल बुजुर्गों के साथ बल्कि युवाओं के साथ भी इस तरह के घटनाक्रम लगातार सामने आते जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में चूंकि ये मौत जेल में हुई, इसलिए इसके पूरे जांच के आदेश भी जेल प्रबंधन की तरफ से दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए शैलेंद्र। तो इस तरीके से अब जेल प्रबंधन ने जांच का आदेश दे दिया, हालांकि साइलेंट अटैक की वजह से कैदी की मौत की बात सामने आई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर, जहां डिंडोरी सड़क हादसे का ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया, अनफिट पिकअप का भी खुलासा हुआ है। दरअसल जांच की गई और इसमें पाया गया कि जो पिकअप थी वो अनफिट थी और बहुत ही लापरवाही यहां पर बरती गई, जहां पर पिकअप पलटने से 14 लोगों की मौत हो गई। CM ने 4-4 लाख की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। मंत्री संपतिया उइके ने घायलों से मुलाकात की, हॉस्पिटल पहुंची और बता दें कि इनमें कुछ गंभीर रूप से भी घायल थे, जिन्हें जबलपुर रेफर किया गया था। वहां पर भी एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में महिलाएं भी शामिल हैं, पुरुष भी शामिल हैं, और ये सभी किसी कार्यक्रम से लौट रहे थे और अचानक से पिकअप पलटी, 14 लोगों की मौत। मौके पर सभी घायलों को हॉस्पिटल एडमिट किया गया और कुछ की हालत काफी गंभीर बताई गई है। डिंडोरी सड़क हादसा, जहां न्यूज 18 की टीम पहुंची घटनास्थल, पिकअप वाहन उल्टा नजर आया, मृतकों के कपड़े जूते चप्पल बिखरे हुए नजर आए, चारों तरफ खूनी खून बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था। तो दिल दहला देने वाला ये पूरा घटनाक्रम, जहां बहुत ही बुरी तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है। और इसी बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डिंडोरी हादसे पर गहरा दुख जताया। CM ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा की, साथ ही घायलों के लिए 1-1 लाख की मदद का ऐलान किया है। CM ने कहा कि घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि घायलों के इलाज में कोई कमी ना रहे। इस बात का बड़ा दुख है, डिंडोरी में बीती रात जो घटना हुई उसमें लगभग 14 लोगों काल कवलित हुए हैं, दिवंगत हुए हैं। मैंने तुरंत मौके पर हमारी साथ की मंत्री संपतिया उइके जी को भेजा है, साथ ही मृतकों को लिए 4-4 लाख रुपया, वैसे तो इसको क्या बोलना चाहिए, लेकिन ऐसे कठिन समय में परिवार की सहायता करना हम सबका फर्ज बनता है। बीमार जो इस अवसर पे हुए सबको 1-1 लाख रुपए देने की शासन की तरफ से घोषणा की गई है। मैं कोशिश करूँगा कि ये, खासकर मुझे जानकारी में आई कि रात की बीती रात की घटना है, पोस्टमार्टम में क्लियर होगा कि चालक दारू पिए हुए है, क्या है कैसा है। यद्यपि वाहन में जो सवारियां हैं वो वाहन भी उनका निजी वाहन है, और निजी वाहन में खुद ने खुद के परिवार के लोग सारे बिठाए हुए, कोई वो भाड़े की कोई किराए की गाड़ी नहीं है। लेकिन फिर भी पूरी जांच करने के लिए मैंने इसके आदेश दे दिए हैं, इसकी रिपोर्ट आएगी, जो जो जवाबदार होगा उस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। और चलिए अब एक बार आपको दिखाते हैं जहां पर डिंडोरी संवाददाता, न्यूज 18 के संवाददाता मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लेते हुए नजर आए। डिंडोरी जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें करीब 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 21 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यह हादसा ग्राम बड़झर में हुआ है। मैं घटना स्थल पर मौके पर मौजूद हूं और मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि कैसे यह हादसा हुआ। यह जो पिकअप वाहन है, जो मालवाहक वाहन कहलाया जाता है, यह करीब 20 से 25 फीट जो ऊपर है खाई से नीचे गिरी है। आप देख सकते हैं, या जो 20 से 25 फीट करीब होगा जहां से यह पिकअप वाहन गिरा है, जिसके बाद यह वाहन पलट गया। इसमें बताया जा रहा है करीब 40 से 45 लोग सवार थे। आपको पिकअप वाहन की स्थिति दिखाना चाहूँगा कि पिकअप वाहन जो है जैसे ही पलटा है, यह अपने जिसे कहा जाता है सिर के बल पर यह पिकअप वाहन गिरा है। और आप देख सकते हैं हादसे के बाद जो तस्वीरें हैं, यहाँ पर जो मृतक
हैं, घायल हैं, उनके जूते चप्पल कपड़े नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो महिलाएं हैं, पुरुष थे इसमें जो सवार थे, उनके जूते और चप्पल यहाँ पर बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही गाड़ी के भी पुर्जे अलग अलग दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं। जो कांच के शीशे हैं गाड़ी के, वो टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। इस हादसे के बाद लगातार लोगों का यहाँ पर जो घटनास्थल है, हुजूम उमड़ पड़ा है, हुजूम उमड़ रहा है। लोग इस हादसे को देखने के लिए आ रहे हैं कि कैसे आखिर यह हादसा हुआ है। यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं जो लोगों को घटना स्थल से दूर रख रहे हैं, क्योंकि इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच गठित की गई है। कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके ने इस पूरे हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही मैं आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर किस तरीके से लोग इस हादसे को देखने के लिए पहुँच रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं जो इस हादसे के बारे में जानते हैं, ज़्यादा करीबी से जानते हैं, हम उनसे ज़्यादा जानेंगे। भाई साहब, कैसे देख रहे हैं, कैसा हुआ था यह हादसा, क्या जानकारी आपको? ये डिंडोरी जिला का ग्राम बड़झर है और यहाँ पे तकरीबन 12 से 1 बजे के बीच की बात है। ये पिकअप वाहन मसूर घुघरी से ये देवरी जा रहा था और यहाँ पे एक मोड़ पे अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे लगभग 45 लोग बैठे थे इसमें, उनमें से 14 लोगों की मौत हो चुकी है और 21 लोग करीब घायल हुए हैं। और हादसा कैसे हुआ? हादसा ये घाट के बारे में क्या बताया जा रहा है? घाट थोड़ा सा खड़ा घाट है ये, और गाड़ी जो है मुड़ नहीं पाई, ढलान और मोड़ के कारण जो है ये गाड़ी अनियंत्रित हो गई और पलट गई। कैसे लोग पहुंचे अस्पताल, कैसे, किसने जानकारी दी, कुछ पता है आपको? फिर इसके बारे में तो नहीं जानकारी है, फिर बिछिया पुलिस यहाँ पहुँची और लगभग जो है जितने मरीज थे और जो गिर गए थे, लग गए थे, उनको जो है ले जाया गया, सैपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है जी। ये थे हमारे साथ स्थानीय लोग और यहाँ पर देख सकते हैं आपकी यहाँ पर ये जो पुलिस की टीम है, फॉरेंसिक टीम है, यहाँ पर पहुँच चुकी है और जांच कर रही है। लगातार फोटोग्राफ्स लिए जा रहे हैं, वीडियोग्राफ्स लिए जा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस की टीम भी मौजूद है और लोगों को घटनास्थल से दूरी बनाए रखने के निर्देश दे रहे हैं। और यहाँ पर जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं वह इस घटनास्थल से लोगों को काफ़ी दूर रख रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का मंजर की यहाँ पर जो हादसा हुआ है, यहाँ पर लोगों के जूते चप्पल कपड़े यहाँ पर बिखरे हुए हैं। और हालांकि यहाँ पर जो भी मृतक हुए थे उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैनपुरा में ले जाया गया, जहाँ उनका पीएम होगा। इसके साथ ही जो घायल हैं उनका इलाज भी वहीं पर चल रहा है और बाकी 3-4 लोग ऐसे गंभीर हैं जिन्हें जबलपुर के मेडिकल में रेफर किया गया है। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।